माफिया अतीक अहमद केस में आए दिन नए नए राज खुल रहे हैं। कभी अतीक के शूटरों को लेकर, कभी भाई अशरफ को लेकर, कभी पत्नी शाइस्ता को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी बेटों को लेकर, तो कभी खुद अतीक अहमद को लेकर। अब एक बार फिर माफिया अतीक को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद ने राजधानी दिल्ली में 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी थी और इसे खरीदने में खुद एक कांग्रेस नेता ने अतीक की मदद की थी। जी हाँ, आइए आपको विस्तार से ये पूरा मामला बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस नेता अफरोज की मदद से माफिया अतीक अहमद ने आधा दर्जन से ज्यादा इलाकों में विवादित संपत्तियों को खरीदा था। इन संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिनका पूरा ब्योरा अब एसटीएफ जुटाने में जुट गई है। वहीं अगर बात की जाए कि अतीक ने ये संपत्तियां कहां खरीदी, तो इसे लेकर बताया जा रहा है कि ये संपत्तियां दिल्ली के शाहीनबाग के अलावा ओखला, साउथ दिल्ली और बहुचर्चित बाटला हाउस आदि इलाकों में है। अतीक की इन संपत्तियों के बारे में केवल उसके करीबी परिजनों को ही जानकारी थी। वहीं एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि अफरोज के दोनों बेटों की दोस्ती अतीक के बेटों उमर, अली और असद के साथ थी। उमर और अली ने दिल्ली में अफरोज के ठिकानों पर पनाह ली थी। अतीक के सांसद बनने के बाद अफरोज का प्रयागराज में उसके पास लगातार आना जाना रहा था। हालांकि उमेशपाल हत्याकांड के बाद अतीक का तीसरा बेटा असद दिल्ली में अफरोज के घर पर नहीं रुका था। अब कांग्रेस नेता अफरोज की बात करें तो इनका 2 साल पहले ही कोविड संक्रमण से निधन हो गया था। इसी वजह से अतीक और अशरफ ने असद को छिपने के लिए अफरोज के घर पर नहीं भेजा था। एसटीएफ इसकी तस्दीक कर रही है कि कहीं असद को दिल्ली में छिपने के लिए अफरोज के बेटों ने मदद तो नहीं की। वहीं अब तक की जांच में सामने आया है कि असद ने उन असलहा तस्करों के पास शरण ली थी, जिनको बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। इन युवकों ने स्पेशल सेल और एसटीएफ को असद के ठिकानों और मूवमेंट के बारे में पुख्ता जानकारियां दी थी, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सका था। आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पुलिस ने खुलासा करते हुए अपनी जांच में ये दावा किया है कि अतीक खुद अपनी वजह से मारा गया। अतीक की जो हत्या हुई है वो उसी की वजह से हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अपनी जांच में दावा किया है कि अतीक अहमद ने पुलिस हिरासत में खुद पर हमले की साजिश रची थी। वह फायरिंग और बमबाजी कर अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना चाहता था। उसे लगा कि हमले के नाटक के बाद ना तो कोई और उसे मार पाएगा, ना ही पुलिस उसका एनकाउंटर कर पाएगी। इसके लिए उसे अपने खास शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम ने पूर्वांचल के कुछ बदमाशों से भी संपर्क किया था। खैर, दिल्ली में माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।